आज मेरे गांव वाली स्टाइल में यानी कि देसी तरीके से टमाटर लहसुन की चटनी बनाएंगे। ये सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसको 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको रोटी पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही बढ़िया लगती है। और अगर आप चाहो तो इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो, ये बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। मैं इस चटनी को हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद है। ये मैंने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं, इनको देखिए इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। इसमें करीब 20 से 25 कली लहसुन की डालेंगे। आप इसमें टमाटर की और लहसुन की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के और टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब इनको मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। इनको मैंने पीस लिया है, इनका देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने 100 ग्राम हरी मिर्ची ली है, इनको भी पहले अच्छे से वॉश करेंगे। अब इनको अपनी पसंद के हिसाब के पीसेस में कट कर लेंगे। आप इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी भी अपने टेस्ट के और पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चटनी को बनाने के लिए ये मैंने कढ़ाई ली है, इसमें करीब 150 ग्राम जितना ऑयल डालेंगे। ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है क्योंकि चटनी के अंदर सरसों का ऑयल का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब करीब 20 से 25 कली लहसुन की लेंगे, इनको इस तरीके से बारीक बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। अब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने तक इनको पकाएंगे। अब इसमें हरी मिर्च को डाल देंगे। अब हरी मिर्च को भी हल्का सा भून लेंगे। इनको लगातार चलाते हुए करीब 30 से 40 सेकंड तक भूनेंगे। ये मिर्ची भी देखिए हल्की सी भून गई है। अब इसमें पेस्ट को डाल देंगे। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। आप इसमें नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा नमक डालने से क्या है, चटनी ज़्यादा खट्टी हो जाती है। अगर आपको ज़्यादा खट्टी चटनी पसंद है तो इसमें 1/2 चम्मच नमक और डाल दें। अब इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। अगर आपको लगे कि भुनाई करते वक्त चटनी ज़्यादा उछट रही है तो इसको देखिए इस तरीके से किसी भी प्लेट से थोड़ा सा ढक लें। चटनी की देखिए भुनाई हो गई है। अभी हमारी चटनी भी बनकर रेडी है। गैस को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। इस चटनी को फ्रिज में रख के आराम से 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हो तो इस पे देखिए इस तरीके से ऑयल होना चाहिए। अगर इसमें ऑयल की क्वांटिटी कम होगी तो आपकी चटनी जल्दी ख़राब हो सकती है। इस चटनी को रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या फिर ब्रेड के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, ये सभी चीज़ों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। मैं इस चटनी को हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद है।